ऐतिहासिक शहर नाहन के मुख्य बस अड्डा में बहुमंजिला पार्किंग तैयार हो गई है। आगामी 14 अप्रैल को इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल द्वारा किया जाएगा। राजीव बिंदल ने नव निर्मित बस अड्डा पार्किंग स्थल का हिमाचल पथ परिवहन निगम व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। विधायक बिंदल ने कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि 14 अप्रैल को इस पार्किंग का उद्घाटन किया जा रहा है और नाहन शहर के इतिहास में पहली मर्तबा बहुमंजिला पार्किंग तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि यह पार्किंग जयराम ठाकुर सरकार की देन है। इसी सरकार के कार्यकाल में इस पार्किंग का शिलान्यास हुआ और अब उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा नाहन शहर में पार्किंग की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक पक्का तालाब सहित कई स्थानों पर नाहन में भी पार्किंग का निर्माण कार्य जारी है। वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि 14 अप्रैल को बहुमंजिला पार्किंग का लोकार्पण किया जा रहा है। नाहन के इतिहास में पहली बार बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण हुआ, अति सुंदर पार्किंग का निर्माण हुआ। यह पार्किंग श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न केवल बस अड्डा की पार्किंग अपितु अनेक स्थानों के ऊपर पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है, जिनका लोकार्पण भी किया है। नगर पालिका पक्का टैंक के ऊपर दोबारा से बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य चल रहा है और अनेक स्थानों पर पार्किंग निर्माण करते हुए जो कंजेशन है उसको कम करने की दिशा में हम आगे बढ़े। 14 तारीख को संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म दिवस है और इस दिन नाहन के इतिहास के अंदर एक नया अध्याय जुड़ेगा, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण बस अड्डे के ऊपर पार्किंग के समीप किया जाएगा। हम ये दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को डेडिकेट करने जा रहे हैं और सामाजिक समरसता के रूप में इस दिवस को मनाते हुए, मेरा समाज एक है, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करके हम सब लोग अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर के कार्य करें, यह समरसता दिवस के लिए डेडिकेट करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाए। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।